कोई शेर बेदार ना हो जाए वरना कुत्तों की नींद हराम करके रख देगा। क्या बात है मेरे अजीजों, अपनी वैल्यू समझो, अपनी हैसियत समझो। जब तुम्हारे साथ बुरी नजर लग जाए तो तुम्हारे उरूज और इर्तिका की मंजिलें शुरू हो जाती हैं। उन जालिमों को यह तारीख याद होना चाहिए कि जब मेरे ख्वाजा सरकार गरीब नवाज हिंदुस्तान तशरीफ लाए थे, उनके उनके आने के बाद जो कुछ भी उनके साथ किया गया, उनके बाप दादाओं ने तारीख बताई होगी। गरीब नवाज को निकालने के लिए, उनकी झोपड़ी उजाड़ने के लिए, उनके खीमे को तोड़ने के लिए, यहाँ तक के सरकार गरीब नवाज जिस दरख्त के नीचे बैठे वहां से उठवा दिया, क्या क्या नहीं किया। लेकिन आज तारीख 800 साल के बाद भी सन्नाटे तार थप्पड़ मार करके बता रही है, जिसको तुम यहाँ से बेघर करने की कोशिश कर रहे थे, अल्लाह ने उसे ऐसा बादशाह बनाया। तुम्हारी हुकूमतें 5 साल के बाद डील डोल होने लगती हैं और उस मर्द कलंदर की हुकूमत 800 साल से चल रही है, वो भी गर्दनों पर नहीं लाखों दिलों पर हुकूमत कायम है। क्या बात है, सुभानअल्लाह। कुरान में अल्लाह फरमाता है वो अम्मा मा यनफउन नास फयमकुतु फिल आर्द, जो लोगों को नफा देता है वो जमीन में बरकरार रहता है। कुरान की आयत पढ़ करके मैं तुम्हें हौसला देता हूँ, तुम्हें यह हौसला देता हूँ। अल्लाह ने कुरान में फरमाया इन्ना अर्दी वासिया, मेरी जमीन बहुत कुशादा है, मेरी जमीन बहुत कुशादा है। रब ताला फरमाता है वलकद कतबना फी ज़बूरी मिन बाद ज़िक्र अन्नल अर्द यरिथुहा इबादी अस्सालिहून, हमने ज़बूर में यह लिख दिया है कि हम इस जमीन का वारिस नेक बंदों को बनाएंगे। आप इस बात के खौफ में न रहे, इस बात के खौफ में न रहे। अजीजा ने गरा में वकार, जो काम तुम्हें करने के लिए कहा गया है वो क्या है? वो एक ऐसा इनकलाब इस जमीन से आना चाहिए, एक ऐसा इनकलाब। आपको मैं एक बात बता दूं तारीख में, जो तुम्हारी सिचुएशन और तुम्हारी हालत के मुताबिक हो, मैं वो बात करने की कोशिश करता हूं ताकि तुम्हारे दिल पर असर हो। आप जिस इलाके में रह रहे हैं आप यहाँ के हालात बेहतर जानते हैं। वो दिन याद करो जब नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया मक्का में, और उसके बाद कुफार और मुशरिकीन का जुल्म शुरू हो गया। गरीब सहाबा को पकड़कर मारते थे, हजरत बिलाल हबशी, हजरत खुबैब इब्न अदी, हजरत खब्बाब इब्न अल-अरद, हजरत जैद बिन दसना, हजरत अम्मार बिन यासिर, ये वो सहाबा है जिनको सिर्फ मारा नहीं गया है, आग में तपाया गया है, सब कर लिया। मॉब लिंचिंग मक्का के जालिम करते थे बहुत। और एक दिन ऐसा आया, तवज्जो, मैं जो कहने जा रहा हूं, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हरम पाक में दाखिल हुए, मस्जिद हरम में आए। खाने काबा की चाबी उस वक्त उस्मान बिन शैबा के पास हुआ करती थी, जो ईमान लाए हुए नहीं थे। हज़रत उस्मान गनी नहीं है, वो दूसरे उस्मान है। उस्मान बिन शैबा के पास काबे की चाबी होती थी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके पास आकर के कहा, उस्मान काबे की चाबी दो, दरवाजा खोल के मैं अंदर जाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, तुम हमारा दीन छोड़े हुए हो, हमारे दीन से तुम बरगश्ता हो, मैं तुम्हें काबे में अंदर आने नहीं दूंगा। किससे कहा? खाइना क्या कहो मौला रसूलुल्लाह। हुजूर ने कुछ नहीं कहा। तवज्जो, मेरे आका ने फरमाया उस्मान याद रखना, एक दिन ये चाबी मेरे पास होगी और ये चाबी मैं जिसको चाहूंगा दूंगा, और कयामत तक उससे कोई चाबी छीन नहीं सकेगा। सुभान अल्लाह, सुभान। इतनी बड़ी बात, जबकि मक्का के हालात बहुत अलग थे, जगह जगह सहाबा को मारा जा रहा था और छुप छुप करके इस्लाम की तबलीग की जा रही थी। उस जमाने में मेरे आका फरमाते हैं उस्मान ये चाबी एक दिन मेरे हाथ में होगी काबे की, मैं जिसे चाहूंगा अता करूंगा और फिर कयामत तक उससे कोई चाबी नहीं छीन सकेगा। यह हदीस पाक में मौजूद है। उस्मान बिन शैबा कहते हैं पहले तो मुझे हंसी आई, क्योंकि ये खाने काबा की चाबी की जिम्मेदारी आम नहीं होती, खानदानी है, बरसों से चली हुई विरासत के साथ आती है, और ये इस तरह से मुझे कह रहे हैं कि चाबी इनके पास चली जाएगी।
और फिर उस्मान बिन शैबा कहते हैं इनके हालात देख करके तो लग नहीं रहा था कि छाबी जाएगी, लेकिन जलाल जिस अंदाज में गुफ्तगू हो रही थी ये देखकर डर भी लग रहा था कि कहीं ये सचमुच चाबी ले तो नहीं लेंगे। फिर उस्मान बिन शैबा कहते हैं वो हालात भी आ गए कि जब रसूलुल्लाह हिजरत करके चले गए मक्का, सहाबा भी घर बार छोड़कर चले गए। उस्मान बिन शैबा कहते हैं आप तो दिल मेरा चौड़ा हो गया, कहां मुझसे चाबी लेने की बात कर रहे थे, कहां इनका घर भी नहीं बचा, घर भी छोड़कर जाना पड़ा। अगर कल तुम्हारा घर छोड़कर जाना पड़े तो मेरी ये बात याद रखना, इस हदीस को याद रखना। हुजूर पाक हिजरत करके चले गए, सहाबा भी अपने घर बार सब छोड़कर मदीने चले गए। उस्मान बिन शैबा कहते हैं अब तो मेरा सीना चौड़ा था, कहां ये चाबी की बात करते थे, कहां अपना घर भी नहीं रख सके। साल गुजर गया, दो साल गुजर गए, तीन साल गुजर गए, चार साल गुजर गए, पांच साल गुजर गए, छह साल गुजर गए हिजरत के बाद। फिर वो दिन आ गया जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 सहाबा के साथ 20 रमजानुल मुबारका को मक्का में फातह मक्का बनकर दाखिल हो रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 6 साल के बाद वापसी है, जब हुजूर तशरीफ लाए मक्का की गलियों में अब मुकाबला करने की किसी की हिम्मत नहीं थी, ताकत नहीं थी। हुजूर पाक जैसी हरम मक्का में दाखिल होते हैं सारे इधर उधर छुप करके भाग रहे थे जिन्होंने जुल्म किया था अपने दौर में, कोई इसके घर भाग रहा है, कोई उसके घर भाग रहा है। वो दिन आएगा याद रखो, वो दिन याद रखना, कुफारे मक्का भाग रहे थे, जान बचा रहे थे और मेरे आका काबे के पास खड़े होकर के ऐलान कर रहे थे आज तुम्हारी जान बख्श दी गई है, आज तुम्हारे लिए रहमत का दिन है, हम आज किसी के साथ मुकाबला नहीं करेंगे। हुजूर अपनी रहमत के खैरात बांट रहे, फिर आओ सुनो 10,000 सहाबा के साथ जब मक्का मुकर्रमा में मेरे आका दाखिल हुए, अब खाने काबा खोलने की बात थी, चाबी किसके पास है, उस्मान बिन शैबा के पास। बुलाया रसूलुल्लाह ने, कहा है उस्मान बिन शैबा, आए सर झुकाए हुए आए, ईमान लाए हुए नहीं थे, कहा लाओ चाबी, चाबी दे दिया हुजूर के हाथ में, कहा है उस्मान क्या मैंने ये बात नहीं कही थी, एक दिन ये चाबी मेरे हाथ में आएगी। वो सर नहीं उठा सके, सर झुकाए खड़े रहे, मेरे आका ने अपने हाथों से चाबी खोला, खाने काबा का दरवाजा खोला और वहां से सारे शिर्क को कुफ्र की आलाइशों को पाक किया। फिर उसके बाद चाबी बंद करके अब सुनो, मेरे आका बाहर आए और फरमाया आज मैं ये चाबी ऐसे आदमी के हाथ में दूंगा जिससे कयामत तक कोई छीन नहीं सके। कितना बड़ा फरमान है मेरे आका का। हुजूर ने जब ये फरमाया तो जो बड़े बड़े सहाबा थे उनके दिलों में ख्वाहिश थी काश चाबी हमें मिल जाए, हमारे खानदान में चलती रहे। वहां सिद्दीक अकबर भी हैं, फारूक आजम भी हैं, उस्मान इब्ने अफ्फान भी हैं, हैदर कर्रार भी हैं, रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाईन, सब सहाबा के दिल में ख्वाहिश थी ये चाबी हमें मिल जाए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबकी तरफ देखा और फिर आयत पढ़ी, इन्नल्लाहा यामुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाती इला अहलिहा, बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है अमानत उसके अहल के सुपुर्द कर दो। ये आयत पढ़ करके मेरे आका फिर उसी शख्स को बुलाते हैं जिनके पास पहले से चाबी थी। उस्मान बिन शैबा करीब आओ, करीब आओ। वो कहते हैं मेरी तो हालत गैर थी, आज तो मैं मुजरिम बन करके आया था, कैदी बन करके आया था, मुझे तो आज मारा जाना था, ईमान लाए हुए नहीं थे। हुजूर ने कहा ये चाबी वापस मैं तुमको ही देता हूँ और सुबह कयामत तक ये तुम्हारे खानदान में रहेगी। इतना कहना था उस्मान बिन शैबा ने पुकार कर कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। क्या बात है सुभान। मेरे अजीजो आज भी जाकर देख लेना, दसियों बादशाह आए होंगे, सैकड़ों हुकूमतें बदल गई होंगी, खाने काबा की चाबी आज भी उस्मान बिन शैबा के खानदान में ही मौजूद है। वो सहाबी रसूल, मैं ये हदीस इसलिए आपके सामने अर्ज किया, तुम उस रसूल के उम्मती हो, उस रसूल के उम्मती हो जिन्हें एक बार ललकार करके
चैलेंज कर दिया गया था कि काबा की चाबी नहीं देंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जलाल और जमाल के संगम के साथ ऐलान फरमाया था ये चाबी मेरे हाथ में होगी। आज उस हबीब कायनात रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को मैं ये हदीस सुना करके अर्ज कर रहा हूँ, हालात अगर मक्का जैसे आ गए तो नर्वस मत हो जाना, हमारा घर लुट जाएगा, हमारी चाबियां चली जाएंगी, हमारे कुवाड़ दरवाजे बंद हो जाएंगे। उस नबी को याद करना, आका आपका उम्मती अगर बेघर किया जा रहा है आपकी तरफ से मदद आ जाए, और आएगी मेरा यकीन है मदीने से आवाज आएगी। आज ये जालिम कुत्ते अगर तुम्हारा दरवाजा बंद करते हैं, इंतजार करो इंतजार करो, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते रसूल, शाने रसूल, फैजाने अलिया इकराम, फैजाने आशिके रसूल। बात सिर्फ इतनी है कि हम छोटी छोटी तकलीफों से बिलबिला उठते हैं और हम सबर की तरफ नहीं देखते हैं। हमें हालात आज हिला दिए जाएंगे, झिझोड़ दिए जाएंगे। कुरान पाक में रब ताला फरमाता है अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्ना वलम्मा यातिकुम मसलुल लदीना खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बासाउ वद्दर्राउ वज़ुलज़िलु हत्ता यकूलर रसूलु वल्लदीना आमनु मअहु मता नसरुल्लाह अला इन नसरल्लाह करीब। मेरा रब फरमाता है क्या तुम ये सोच कर बैठे हो कि ऐसी ही जन्नत में दाखिल हो जाओगे और पहले वालों को जिस तरह तकलीफें आई तुम्हें नहीं आएंगी, उनको हिला दिया गया था, यहाँ तक के रसूल ने भी और उनके साथ ईमान वालों ने भी ये कह दिया, ये कहने लग गए अल्लाह की मदद कब आएगी। आगाह हो जाओ, अल्लाह की मदद बहुत करीब है। कुरान की आयत है, तुम अगर ये गुमान करके बैठे हो कि यूं ही जन्नत में चले जाए, हाँ यूं ही हम सारी मंजिलें तय कर लेंगे, जिसका जितना ईमान होगा उतना वो आजमाया जाएगा, उतने इम्तिहानात से गुजारा जाएगा। आज ऐ नौजवानों तुम्हारे इम्तिहान का वक्त करीब आने वाला है, तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, इम्तिहान देने के लिए तैयार रहना चाहिए, वरना हवाओं की कीड़े मत बनना। आज हवा उनकी चल रही है तो उनकी जय जय करेंगे, कल इनकी चल रही है इनकी जय जय करेंगे। ईमान वालों की ये मेयार नहीं है, जो ईमान वाला है वो हर आंधी में ठटा रहता है, जमा रहता है। खालिद बिन वलीद को याद करो, एक लश्कर लेकर के वो एक इलाके में गए थे। तवज्जो है नौजवानों, हाँ मैं देख रहा हूँ बहुत सारे खड़े हुए हैं और बैठे हुए भी हैं, जो जैसा है वही जमा रहेगा क्योंकि ये महफिल रसूल है, महफिल रसूल है। जाहिर सी बात है खड़े होने वाले वो भी उतना सवाब हासिल करेंगे बैठे हुए भी, लेकिन कुरान कहता है ला यस्तविल काइदून, यानी बैठे हुए लोग खड़े हुए लोगों के बराबर नहीं होते। खैर बात ये है क्या आप अपना जहन इस तरफ रखें, खालिद बिन वली उस अजीम मुजाहिद की बात कर रहा हूं रदी अल्लाह तआला, एक लश्कर लेकर नौजवानों का लश्कर था, एक ईसाई किले का मुहासरा कर लिया, और किले का मुहासरा करने के बाद अंदर सख्त लोग थे, मुकाबला कर रहे थे लेकिन किला फतह नहीं। अब अंदर वालों ने यह मशवरा कर लिया, जो बड़ा राहिब था पादरी था, कहा यह खालिद बिन वलीद है, इससे लड़ना आसान नहीं है, ये जहां जाता है फतह के झंडे गाड़ कर आता है। उसने जो गुरु घंटाल था सबको जमा किया और कहा मैं एक तरीका ढूंढा हूं, इसके जरिए से इनके ऊपर हम कामयाबी हासिल कर लेंगे। सबने कहा हम इत्तेफाक करते हैं। कहा क्या तरीका है, गुरु ने कहा, पादरी ने कहा ये बैठे बैठाए ये सब चीजें महफिल रसूल के आदाब नहीं, जो लोग बैठा रहे हैं मैं कह रहा हूं जो जहां है जिस हालत में खड़े रहेंगे इंशाल्लाह, आप अगर खड़े होने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं मैं भी खड़ा होता हूं इंशाल्लाह, ठीक है।
सुबह मुझे पता है सब जवान हैं, सुबह तक खड़े होने को तैयार और हम भी खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। अब ठीक है, अब कोई किसी को बिठाए भी नहीं, कोई किसी को खड़ा भी ना करे। दुरूद पाक पढ़ लीजिए एक बार। اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم। मुझे पता है मुफ्ती साहब, मैं ये आपको बता दूं, हर जलसे में ये हाल हम देखते हैं। वजह ये है कि हम कुर्सी पे बैठे रहते, कुछ लोगों को नजर नहीं आते, वो हंगामा करते रहते, इधर से नहीं दिख रहे, उधर से नहीं दिख रहे, और आसपास जो बैठे हुए हैं इनको वो अड़चन समझते हैं कि ये बीच में हाइल हो गए। लेकिन मैं इतनी बात कहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वो कौम है, मुझ जैसे एक निकम्मे, मैं एक गुलाम और खादिम हूँ, मुझे देखने के लिए वो बीच में किसी को बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो ये अपने रसूल और अपने दरमियान किसी और को क्यों बर्दाश्त कर सकती है। बात है, बहुत अच्छा। हम गुलामों के लिए इनके जज्बात हैं, तो रसूल के लिए जज्बात और हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो इश्क अभी सलामत है, इसीलिए तो हम घूम रहे हैं। अगर मरे होते तो मुर्दों को कौन खिताब करता। जिंदगी अभी बाकी है और हमें उम्मीद भी बाकी है, उम्मीद बाकी है। खुराफात आ गई है, मुझे पता है, गलत काम बहुत आ गए हमारे मोहल्ले में। मुझे सुबह से बताया गया बहुत सारे, ये एक मोहल्ले का अलमिया नहीं है, हम जहां जा रहे हैं शहरों के शहर नशे में तबाह है, बर्बाद है। लेकिन साथ में मुझे इस बात का यकीन है, हुजूर की ये उम्मत गुनहगार तो हो गई है लेकिन गद्दार नहीं है। बात है, हुजूर की गद्दार नहीं है। आज भी अगर इनसे कह दो, चाहे वो किसी भी तरह का अमल रखता हो, हुजूर की इज्जत की बात आई तो अपनी गर्दन लेकर हाजिर होने को तैयार है या नहीं मेरी इस बात पर। सुनो, खालिद बिन वलीद जब किले का मुहासरा कर चुके हैं, ईसाई पादरी ने अपने सारे साथियों से कहा, हम इनको 3 दिन का टाइम देते हैं कि हम इनको सुलह करने की बात करेंगे, लेकिन मेरी एक शर्त होगी, या अपने नौजवान साथियों को लेकर बाजार से गुजरते हुए आ जाए, अगर सही सलामत इनके सारे फौजी आ गए हम किले की चाबियां दे देंगे। सारे ईसाइयों ने पूछा, क्या करना, क्या चाहते हो? उस पादरी ने कहा, मुल्क की मशहूर खूबसूरत लड़कियों को और जरो जवाहरात को मैं रास्ते पर बिछा दूंगा, नंगी लड़कियों को खड़ा कर रखूंगा, जब खालिद बिन वलीद की फौज यहाँ से गुजरेगी, नौजवान है, नफ्स भड़कता है, और इस तरह से एक नौजवान को खरीदने के लिए दो ही चीजें होती है, एक औरत है, दूसरी दौलत है, और नौजवान इसमें फिसल जाता है। मैं जानता हूं कि जब ये दोनों चीजें सजा कर रख दी जाएं, खालिद बिन वलीद के ये लश्करी टूट पड़ेंगे औरतों पर और दौलत पर, हम आसानी से इन पर काबिज हो जाएंगे। सबने वाह वाह किया, तालियां बजाई, और पादरी आकर खालिद बिन वलीद से कहता है, हम आपसे लड़ना नहीं चाहते, हम आपसे मुकाबला नहीं करना चाहते, आप 3 दिन के बाद अपने लश्करियों को लेकर इस बाजार से गुजरते हुए आ जाइए, सही सलामत अगर आप पहुंच गए तो किले की चाबियां आपके हवाले कर दूंगा। तवज्जो, खालिद बिन वलीद ने कहा, मंजूर है, ये शर्त मैं इत्तेफाक करता हूँ। वापस आए, अपने साथियों से कहा, जंग नहीं करनी है, लेकिन एक ही शर्त उन्होंने रखा है, 3 दिन के बाद इस बाजार से गुजर कर हमें जाना है, लेकिन कोई ना कोई हरबा तो होगा, कोई ना कोई साजिश तो होगी, हर चीज के लिए तैयार रहना। खालिद बिन वलीद अपने उन नौजवान लश्करियों से कह रहे थे, ऐ नौजवानों, तवज्जो से सुनना इस बात को, आज भी दुनिया ये सारे हरबों पर अमल कर रही है हमारे साथ, हमारे नौजवानों के साथ। खालिद बिन वलीद के 3 दिन गुजर गए, ईसाइयों ने अपनी तैयारियां खूब कर ली, बाजार में उरिया लिबास में, आधे लिबास में नंगी लड़कियों को खड़ा किया, सरो जवाहरात दौलत के अंबार बिछा दिए। जब खालिद बिन वलीद के सिपाही मैदान में गुजरते हुए उस बाजार में आते हैं, पहला कदम रखा था, नजरें पड़ गई, खालिद बिन वलीद रुक गए, पलट गए, अपने लश्करियों से कहा, वही आज मैं तुमसे कह रहा हूँ, उन्होंने कहा था, ऐ नौजवानों, ऐ रसूलुल्लाह के शहदाइयों, तुम्हारी इम्तिहान का दिन है, आज तुम्हारे इम्तिहान का दिन है, अगर तुम्हारा कदम फिसल गया, सुबह कयामत तक तुम पर लानतों की फटकार होगी, और अगर जमा रहा
सुबह क़यामत तक अल्लाह की रहमत के फूल बरसाए जाएंगे। नौजवानों ने पूछा करना क्या है हमें, आज कौन से इम्तिहान में कामयाब होने का तरीका क्या है इस इम्तिहान में। खालिद बिन वलीद ने कहा कुछ ना करना, बस अपने रसूल की सुन्नत पर अमल करना। कहा हम तो करते हैं, यहाँ क्या करना है। खालिद बिन वलीद कहते हैं मैंने मेरे मुस्तफा करीम को देखा है, जब रसूलुल्लाह मदीने के बाजार से गुजरते थे अपनी नजरें नीची करके जाते थे। आज तुम बाजार से जा रहे हो, बस इस सुन्नत पर अमल कर लो, अपनी हया की नजरें झुका कर चलना, फिर उसके बाद अल्लाह मालिक है। खालिद बिन वलीद के जोश और वलवले से भरी हुई ये तकरीर ऐसी असर कर गई, वो नौजवान एक दो नहीं थे सैकड़ों की तादाद में थे, सर झुकाए बाजार से ऐसे चल रहे हैं। तारीख निगार कहते हैं वो इस तरह से चल रहे थे कि उनके सरों पर अंडा भी रख दिया जाता तो नहीं गिरता, ना इधर हिलाए ना उधर हिलाए, ना इधर देखे ना उधर देखे, और बराबर अपनी नजरें जमीन पर झुकाए हुए तेजी से चलते हुए उस किले के फाटक तक पहुंच गए। वहां वो पादरी इंतजार में थे, भटक गए होंगे, औरतों से भिड़ गए होंगे, दौलत जमा कर रहे होंगे, मगर ये दीवाने ठुकराते हुए हर दौलत और औरियानियत को उस किले के फाटक तक पहुंच गए। पादरी सामने आया, किले की चाबियां वादे के मुताबिक खालिद बिन वलीद की गोद में ढाल दिया और कहा एक बात बताओ, ऐ खालिद एक बात तो बताओ, ये जो तुमने जमात, ये जो तुमने लश्कर जमा किया है सिपाहियों का, ये इंसान है या फरिश्ते हैं, इनके दिल है या नहीं, इनकी ख्वाहिशात है या नहीं, इनके जिस्मों में नफ्स है या नहीं। हमने मुल्क की सबसे खूबसूरत तरी औरतों को खड़ा कर दिया था, दौलत को बिछा दिया था, इनमें से एक भी उसकी तरफ तवज्जो नहीं किया। खालिद बिन वलीद मुस्कुराकर जो जवाब देते हैं वो हमारा ईमान होना चाहिए। क्या जवाब देते हैं, फरमाते नादान ऐ भाई, उन आंखों को तू खरीदने की कोशिश कर रहा था जिन आंखों में पहले से जमाले मुस्तफा बसा हुआ। बात है सुभान अल्लाह, या रसूल ये जो लोग लाइट के करीब हैं इनसे गुजारिश है कि आप हट जाएं, करंट लग। मेरे अजीजों ये जवाब था, उन आंखों को दुनिया का हुस्न क्या धोखा दे सकता है जिन आंखों में पहले से जमाले मुस्तफा बसा हुआ। और तारीख ने बार बार ये गुमराह करने की कोशिशें की, एक बार नहीं दो बार नहीं। कलयुबी में एक हिकायत है, हजरत शहाबुद्दीन कलयुबी ने लिखा है तीन भाई एक ईसाई बादशाह की कैद में आ गए थे, तीनों सगे भाई थे और जवान भी थे। जवान ज्यादा है इसलिए खिताब कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि बूढ़ों के लिए कोई नसीहत नहीं, इंसान है नफ्स है तो सबके लिए सबके लिए। तीन जवान कैद में आ गए, बादशाह ने उनको ऑफर दिया कि मेरे दीन में आ जाओ, मैं सिपाही बना लूंगा वजीर बना लूंगा, मगर वो रसूलुल्लाह के गुलाम थे, मेरे आका के शहदाई थे। कहा इतनी आसानी में तो हम दीन नहीं बेच सकते, तवज्जो है नौजवानों, ये सब तुम्हारे साथ हो रहा है, दौलत तुम्हें दिखाकर हुस्न तुम्हें दिखाकर अगर दुनिया खरीद सकती है तो लानत है ऐसे तुम्हारी जिंदगी पर। फिर वो कैसा ईमान वाला है, कैसा मुसलमान है जिसने अपने नबी की मोहब्बत को हल्की चीज में बेच दिया, उसका कोई ताल्लुक नहीं है। अला ला ईमान अली मल्ला मोहब्बत अला, अला हजरत ने लिखा है उसका ईमान ही नहीं जिसके दिल में मेरे आका की मोहब्बत नहीं। क्या बात है, अगर मोहब्बत है तो सौदा नहीं करोगे। तीन भाई एक बादशाह की कैद में आ गए और उनको ऑफर दिया गया दीन बदल लो हमारे दीन में आ जाओ छोड़ दें। सख्त थे जमे हुए थे डटे हुए थे, कहा नहीं, कहा जल्लाद को बुलाओ कोड़े मारो, कहा तैयार हैं हम। इतना नहीं बादशाह इतने गुस्से में था जल्लाद को बुलाया और कहा एक कढ़ाई लाओ तेल डालो और खोलाओ। तेल डाल करके खोलाया गया, जब तेल खोलने लगा इन तीनों में से बड़े भाई को उठाकर तेल में डाल दिया, चलते हुए तेल के अंदर जब उस नौजवान को डाला गया तो फौरन दम जदन में रूह निकल गई, शहीद हो गए। दो भाई देख रहे हैं
अपने बड़े भाई की मौत देख रहे हैं। ये हालात आ गए, ये बातें याद रखना। थोड़ी देर के बाद बादशाह ने दूसरे से कहा, अब बताओ तुम्हारा क्या इरादा है। दूसरे ने कहा, अब तो और भी तुमने सख्त कर दिया इम्तिहान। हम तो अपने नबी को धोखा नहीं दे सकते और ना ही मेरे शहीद भाई को। बादशाह ने दूसरे को उठाया और तेल में डाल दिया, खोलते हुए तेल में डाल दिया, दो शहीद हुए। तीसरा जो था वो 22 साल 25 साल के बीच का था। ये भरी जवानी है, अंगारा होता है। हर नौजवान को ये लगता है कि ये दिन हमारे ऐश के हैं। दुनिया में जहां चमकती हुई चीज को देखता है दिल दे बैठता है, माँ बाप से भाग जाता है, घर बार को छोड़ देता है, उसको हर अच्छी चीज बुरी लगने लग जाती है। यह उम्र बड़ी खतरनाक मंजिल पे आ जाती है। ऐ नौजवानों, जो इस उम्र में बच गया इंशाअल्लाह वो आगे भी बच जाएगा, आगे भी बच जाएगा। 22 साल का खड़ियल जवान है जिसके सामने उसके दो भाइयों को खोलते हुए तेल में डाला गया, उसकी कैफियत क्या होना चाहिए। अब पूछा गया, तुम्हारा क्या इरादा है। कहा, इस तरह तुम 100 बार भी तेल में डालोगे तो मैं यही कहूंगा मेरा रसूल मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मैं यही कहूंगा। बादशाह इतने गुस्से में था, कहा कि इसको चीर दो, इसको काट दो। वजीर था बादशाह का चालाक, उसने कहा इसको कत्ल कर देने, मार देने से कुछ होगा नहीं, मुझे एक महीने का टाइम दे, इसको चेंज करके लेके आऊंगा, अगर नहीं लाया तो मेरी जिंदगी दांव पे लग जाए। बादशाह ने कहा ले जाओ, एक महीने का टाइम है, इसको बदल करके लाओ। वजह यह थी कि उस वजीर के घर में बड़ी खूबसूरत लड़की थी, जिसकी रिश्ते के लिए, जिसके रिश्ते के लिए बड़े बड़े बादशाहों के शहजादों के पैगाम आते थे। वजीर ऐसा था कि इस एक नौजवान पर अपनी पूरी मेहनत सर्व करना चाहता था। घर लाया, कमरे में रखा, अच्छी गिजाएं दी, कहा मैं तुझे मारना नहीं चाहता, कुछ नहीं, तू अपनी अपनी जिंदगी में मस्त रहे। उस नौजवान ने कहा ठीक है। उसके बाद अपनी बेटी को लगा दिया, ए बेटी तेरे पास तेरे बाप को बचाने के लिए एक ही काम है, इस जवान का दिल जीत करके ले आ, बादशाह से जो चाहे तुझे दिला दूंगा। उस लड़की ने कहा ये तो चुटकी का काम है मेरा, जिसके पास हुस्न होता है उसे ऐसा लगता है हर किसी को अपने दामे फरेब में फंसाएगी, इतना आसान नहीं है, हर कोई लट्ठू नहीं होता। रात को जब ये लड़की आती, नौजवान मुसल्ला बिछाता, सजदे में चला जाता, हर वो खड़ी रहती बैठी रहती, खड़ी होती बैठती होती, रात गुजर जाती, वो ओंग ओंग कर चली जाती। कितने दिन हो गए रोजाना वो बात तक नहीं करता, सर तक नहीं उठाता, उसका सजदा लंबा ही होता चला जाए। जब वो चली जाए सजदे से उठ जाए, महीना गुजरने को आया, तंग आ गई। कहा उस जवान को, ए नौजवान, ए पत्थर दिल के लड़के, जरा उठकर एक बार मुझे देख तो ले। मेरे हुस्न को देखने के लिए बादशाहों के शहजादे बेचैन रहते हैं, बड़े बड़ी जगहों से मेरे निकाह के पैगाम आते हैं, मगर मेरे बाप की इज्जत की सलामती के लिए मैं तेरे साथ लगी हूँ, क्या बात है, तुझे गुरूर कितना है, मुझे देखता क्यों नहीं। नौजवान ने सर उठाए बगैर कहा, बस तू अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकती, वापस चली जा, इसलिए कि इन आंखों में एक ही हुस्न बस रहा है, वो आमिना के लाल का हुस्न है। क्या बात है, नारे तकबीर, बस वो एक हुस्न बसा हुआ है और उस हुस्न को धोखा नहीं दिया जा सकता। वो खातून के दिल में, उस लड़की के दिल में ऐसी हैबत तारी हो गई, ऐसी हैबत तारी हो गई, कपकपाने लग गई और खड़ी होकर कहने लगी, मैं दिल से गवाही देती हूँ कि तू भी सच्चा है, तेरा दीन भी सच्चा। उठ जा, मुझे आजाद कर इस तमाम वाहियात जिंदगी से, मैं तेरे साथ आने को तैयार हूँ, तेरे दीन में भी और तेरे निकाह में भी। नौजवान खड़ा हुआ, कहा कि ये ईमान लाई हुई। उस खातून ने कहा मैं तेरी बेड़ियां खोलती हूँ, मैं यहां से जाने का रास्ता फराहम करती हूँ। दुनिया जिसको फंसाने के चक्कर में थी, अक्सर ये देखा गया है वो खुद अपनी गर्दन मुस्तफा के कदमों में देने को तैयार। शर्त इतनी है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लाहो कलम तेरे, सब तुम्हारा हो सकता है, सब तुम्हारा होगा। बस
जिंदाबाद मरहबा। मेरे अजीजों अब सुनो आगे की बात। कलियुग भी फरमाते हैं इन जवानों की हिकायत क्यों सुना रहा हूं, ये आने वाले हालात हैं। कहते हैं रात की तन्हाई में उस खातून ने उस नौजवान की बेड़ियां खोल दी, हुजरे का दरवाजा खोल दिया और उसको लेकर के निकल गई। कहा रास्ता मैं बताती हूँ, सल्तनत की सरहदें मैं उबूर कराती हूँ, फिर तेरी मर्जी, अगर मुझे साथ रखना है तो ले चल अपने दयार में, या फिर छोड़ना है तो छोड़ दे। उस नौजवान ने कहा कि ठीक है साथ चलो। रात के वक्त ये दोनों तन्हा साथ चल रहे थे, ये भागे हुए लोग नहीं है, ये ईमान पर इस्तेकामत वाले लोग, ये हुस्न पर फिदा होने वाले लोग नहीं। रात के वक्त जब चल रहे थे, आधी रात गुजरी हुई थी, अचानक घोड़ों के दौड़ने की आवाज आई। बहुत अहम बात कर रहा हूं, घोड़ों के ताप की आवाजें आने लग गई। अब ये दोनों डर करके एक दरख्त के पीछे छुप गए। उन्हें लगा बादशाह को खबर हो गई, बादशाह ने हमें पकड़वाने के लिए पूरी फौज भेज दी है, वजीर को भी पता चल गया होगा। ये डरे सहमे हुए दरख्त के पीछे छुपे हुए थे कि अब क्या होगा इसके बाद। घोड़ों के दौड़ने की आवाज कम होती गई और इनके दरख्त के आगे आकर सारे घोड़ों की आवाज रुक गई, सब रुक गए। और ये दरख्त के बाहर सर नहीं निकाल रहे थे, बाहर आई हुई जमात ने इनका नाम लेकर पुकारा, फला बिन फला बाहर आ जाओ। ये नौजवान कहता है जब मैं बाहर आकर देखा ये बादशाह की फौज नहीं थी, इसके दोनों शहीद भाई पूरी जमात के साथ घोड़ों पर सवार हैं, सुभान अल्लाह, जिनको बादशाह ने खोलते हुए तेल में डाला था वो घोड़ों पर सवार आ रहे हैं। नौजवान देख करके हक्का बक्का रह गया, पूछा भाई जान आप कैसे आए। उन दोनों भाइयों ने कहा ए हमारे नन्हे भाई क्या तुझे पता नहीं अल्लाह ने फरमाया वला तकूलू लिमन युक्तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून, जो अल्लाह की राह में मारे जाएं उन्हें मुर्दा मत कहो, वो जिंदा है तुम्हें उसका शऊर नहीं, ये सिर्फ तू हमें देख रहा है पहचान रहा है। तुझे पता है ये जो जमात हमारे साथ आई है आम लोगों की नहीं, ये बदर खंदक के सहाबा की जमात है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत चल यार, मरहबा अल्लाह। बात सिर्फ इतनी है अगर तुम अल्लाह के सच्चे बंदे बन जाओ, हुजूर के वफादार बन जाओ, पूरी दुनिया तुम्हारे लिए घुमा दी जाए, हालात तुम्हारे लिए बदल दिए जाएंगे। थोड़े दिनों की बात है, इसीलिए इकबाल ने कहा था सच्ची बात है, ऐ नौजवानों मेरा पैगाम ये है, अगर सुनना है तो सिर्फ इतना है, कुफर दम तोड़ देगा टूटी हुई शमशीर के साथ, कुफर दम तोड़ देगा टूटी हुई शमशीर के साथ, घर तुम निकला जाओ एक बार नारे तकबीर के साथ, नारे तकबीर नारे रिसालत नारे गौसियत लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह नारे तकबीर। अब बात ये सुनकर के चलो, दो मिसालें मैंने तुम्हारे सामने रखी, एक सैयदना खालिद बिन वलीद की, एक ये तीन नौजवान भाइयों की, दोनों जगह पर भी मैंने आपके सामने रखा दुनिया ने किस जरिए से हमें खरीदने की कोशिश की। खालिद बिन वलीद के जवानों को भी दुनिया औरत और दौलत से खरीदना चाहती थी, इन तीन जवान भाइयों को भी दुनिया दौलत और औरत से खरीदना चाहती थी। आज भी वही सिचुएशन है, आज अगरचे सामने तुम्हारे साथ नहीं लाया जाता लेकिन हर एक की मुट्ठी में इंटरनेट पहुंचा करके, गंदी तस्वीरें तुम्हारे सामने पहुंचा करके तुम्हारे ईमान को खरीदने की दुनिया कोशिश में लगी हुई है। आपको पता है पूरी दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री पोर्नोग्राफी की है, ये बॉलीवुड और हॉलीवुड कुछ नहीं लगते उसके सामने। पोर्नोग्राफी जो और गंदी फिल्में बनाने वाली इंडस्ट्री सबसे बड़ी है, करोड़ों अरबों डॉलर उसमें खर्च किए जाते हैं। किस वजह से? तुम्हारी आंखों की हया खत्म हो जाए, तुम्हारे ईमान का कत्ल हो जाए। आज नौजवान ये समझता है मेरी मुट्ठी में मोबाइल है मुझे कौन देख रहा है, ये घर के अंदर तारीकी में बैठ करके अपनी आंखों का सौदा कर रहा है,
इन उरिया तस्वीरों को तुम अपनी उंगलियों के पोर से हिला हिला करके देख रहे हो। एक बात याद रखना, हो सकता है तुम्हारी माँ से पोशीदा है, तुम्हारे बाप से छुपी हुई हरकत है, तुम्हारे भाई और दोस्तों से छुपी हुई हरकत है। कुरान कहता है या अलमु खाइनतल अअयुनि वमा तुख्फी सुदूर, वो अल्लाह है जो तुम्हारी आंखों की खयानत को देख रहा है, तुम्हारे दिलों में छुपे हुए हालात को भी वो जानता है। इसलिए याद रखना, आज हमारी की हुई हरकतों के लिए मेरा मौला फरमाता है फमन यअमल मिसकाल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिसकाल ज़र्रतिन शर्रन यरा, जो एक राई के दाने के बराबर भी नेकी करेगा कयामत में दिन वो भी दिखाया जाएगा, और एक राई के दाने के बराबर बुराई करेगा वो भी दिखाया जाएगा। लुकमान हकीम ने अपने बेटे को यह नसीहत की थी, या बुनैया इन्नहा इन तकु मिसकाल हब्बतिन मिन खर्दल फतकुन फी सखरतिन औ फिस समावात औ फिल अर्द याति बिहा अल्लाह। लुकमान हकीम उनका नाम है जिनका जिक्र कुरान में आया है, अगरचे नबी नहीं है लेकिन अपने बेटे को क्या नसीहत किया था, बेटा अगर तू बुराई करेगा चाहे पहाड़ की चट्टान में अंदर जाकर या आसमानों में जाकर या जमीन में अंदर जाकर, कहते कहीं जाकर कर ले, याति भी अल्लाह, अल्लाह वो तेरे सामने लाएगा, अल्लाह तेरे सामने लाएगा। कयामत के दिन बेआबरू होना हो, जलील और रुसवा होना हो, तो फिर आपकी मर्जी। इदा लम तस्तही फस्ना मा शिर, जब तुम्हारी हया निकल जाए तो तुम जो चाहो कर लो, और अगर ईमान की हया बाकी है तुम्हारे हाथ पैर कांपने चाहिए, तुम्हारे हाथों में कपकपी आ जाए मैं क्या करने जा रहा हूं। ऐ नौजवानों, आज वही सिचुएशन दोबारा आई है, तुम्हारी आंखों को खरीदने के लिए करोड़ों डॉलर लगाए गए। तुम्हें एक बात याद है, बरेली से बड़े करीब रहते हो, ये आला हजरत का इलाका है ना, आला हजरत वाले लोग हैं। मेरे आला हजरत ने 100 साल पहले कहा था, आंख से काजल साफ चुरा ले, या वो चोर बला के है, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है, सुना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जाते रहियो चोरों की रखवाली है। ये किसके लिए कहा था आला हजरत ने, कभी आपने सुना? हमारे एक साहब है, उनसे हमने कहा था, कभी किसी थाने में ऐसा भी केस रजिस्टर हुआ है कि किसी की आंख से काजल चुराया गया हो और आके कंप्लेंट किया हो किसी ने? आप थाने में जाकर पूछे वो हंसेंगे, मियां मोबाइल चोरी के वाकयात होते हैं, पॉकेट मार होते हैं, पैसे चोरी के होते हैं, सुनना चोरी, चैन चोरी, ये पहला केस सुन रहे हैं कि किसी की आंख से काजल भी चुराया, ये कैसे हो सकता है? ये इस्तियारा है मेरे अजीजों। मोमिन की आंख का काजल वो शीशी और डब्बी वाला नहीं, मोमिन की आंख का काजल इश्क मुस्तफा हुआ करता, क्या बात, मोहब्बत मुस्तफा है। और ये छीनने के लिए बड़े बड़े चोर बैठे हुए, तुम्हारी आंखों की हया खत्म हो गई तो तुम जो चाहे करने लग जाओ, तुम्हारी आंखें अगर भटक गई। इसीलिए मेरे आका ने फरमाया अन्नज़रतु सहमुन मिन सिहामि शैतान, नजर शैतान के तीरों में से एक तीर है, ये नजरें ही धोखा खाती हैं। फिर ये जो बेहयाई आज आम है, यहां तक कि ये जिस्म फरोशी पर ले आती है, औरत को उसके नंगेपन तक लाती है और मर्द को उसकी बर्बादी पर लाती है नजरें। इसीलिए दवा बताऊं अपनी नजरों को बचाने का, दवा चाहते हो उसी आला हजरत के शहजादे ने दिया था, मुफ्ती आजम हिंद ने दिया था, दुआ करो बारगाह रब्बुल आलमीन में कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदिगार आंखों में, कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदिगार आंखों में, हमेशा नक्श रहे रुए यार आंखों में, उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें कि देखने की है सारी बहार आंखों में। ऐ नौजवानों, तुमने अभी तक जमाले मुस्तफा को शायद सुना नहीं होगा, या तुम्हें देखने की वो तमन्ना आई नहीं होगी जो होना चाहिए। जिस दिन ये तमन्ना आ जाए हर हुस्न फीका लगने लग जाए, हर खूबसूरती हेच लगने लग जाए, दुनिया की चकाचौंध पर तुम्हारा दिल कभी नहीं जाएगा। बस एक तमन्ना दिल में पैदा करो, अगर अब कोई आंखों में देखना है, एक ही चेहरा देखना है, वो आमिना के लाल का चेहरा देखना। तमन्ना है या नहीं? तमन्ना है?
अगर है तो सुनो क्या था चेहरा। हजरत जाबिर बिन समूरा कहते हैं, एक दिन मैं अपने घर से निकला, मस्जिद नबवी के पास आया, चौदहवीं रात थी, चांद आबोताब के साथ निकला हुआ था। हजरत जाबिर बिन समूरा कहते हैं, मैं मस्जिद नबवी के करीब आया, इसी वक्त मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से बाहर निकल रहे थे। आपके जिस्म अथर पर सुर्ख जुब्बा था और अमामा शरीफ था। हजरत जाबिर कहते हैं, कभी मैं रसूलुल्लाह की तरफ देखता था और कभी चौदहवीं के चांद की तरफ देखता था, कभी इधर देखो कभी उधर देखो। यह हदीस पाक में है। वो सहाबी कहते हैं, मैं ये दिल में सोच रहा था, उस चांद को ज्यादा हसीन कहूं या इस चेहरे को ज्यादा हसीन कहूं। इसी असना में मैं इधर उधर देख रहा था, फिर दिल ने यह फैसला कर लिया जिसको शायर ने कहा है, चांद से तशबीह देना यह भी क्या इंसाफ है। चांद में तो ताक है, हजरत का चेहरा साफ है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैजाने सरकारे मदीना, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती सलमान हजरी साहब क़िबला। सुभान नौजवानों, तुम्हारे बुराइयों से बेहयाइयों से बचने के लिए एक ही रास्ता है, नजरों में अपने दिल में बसा लो उस जमाल मुस्तफा। तुम्हारी रात जब हो जाए, तड़प पैदा हो जाए। अब रात के अंधेरियों में मुझे अपने मोबाइल की स्क्रीन पर ये गंदी और बेहयाइयां देख करके नहीं सोना है, इसलिए कि ये एक बात बता दूं नौजवानों, ये गुनाह इसकी लज्जत थोड़ी सी होती है, ये खुजली की तरह है, खुजाओ तो अच्छा लगता है, हाथ छोड़ दो तो फिर जलन शुरू हो जाती है। ये वैसी ही है, चंद मिनटों की लज्जत है, हमेशा का दाग धब्बा छोड़ जाती है। ये एक तरह का दाग तुम्हारे ईमान पर, तुम्हारे जिस्म पर छोड़ जाती है। इन बेहयाइयों से निकलो, अपनी आंखों को हया दो, अपने ईमान को झिला बख्शो, और तुम्हारे लिए एक ही जरिया है, बसा लो नजरों में उस जमाल मुस्तफा को। दिल के अंदर एक तमन्ना बेदार हो जाए कि मुझे देखना है मेरे मुस्तफा को। वो तमन्ना क्यों नहीं आती जो फाजिले बरेलवी इमाम अहले सुन्नत मदीने जाकर के करते हैं, जब हर कोई जाकर के क्या मांगता है, रसूल अल्लाह हमारे घर में ये फलाह चीज नहीं है, ये मुझे अता हो जाए, बेटा नहीं मिल जाए, बेटी नहीं मिल जाए, तिजारत नहीं चलती वो मिल जाए। मांगने वाले हर कुछ मांगते हैं, लेकिन आशिक रसूल जाता है बारगाह मुस्तफा में, कहता है या रसूल अल्लाह बस एक बार आपके चेहरे का दीदार चाहिए, एक बार दीदार चाहिए। उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें, कि देखने की है सारी बहार आंखों में। और जब नजर आ जाता है वो जमाले मुस्तफा, तो फिर बरेली की आवाज आती है, पेशे नजर वो नौ बहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही तो इम्तिहान है। पीर मुहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह गोलड़ा शरीफ के एक आशिक रसूल है, पाकिस्तान के रहने वाले, बारगाह मुस्तफा में आए थे और उन्होंने भी सवाल किया था, आका आपको देखना चाहता हूँ, आका आपको देखना चाहता हूँ। जब जियारत नहीं हुई तब उन्होंने ये कहा था, कितने मेहर अली, कितने तेरी सना गुस्ताख अखे कितनी जाहरिया, पंजाबी शायर थे, उन्होंने कहा था, मेहर अली तेरी हैसियत क्या है, तेरी वकार क्या है, तेरी आंखें कहाँ की सवाल कर रही है, वो रसूल किरामी वकार की जात, और तू एक गुनहगार, या अपनी आजिजी पेश किया। लेकिन दरबारे रसूल से निकलकर चंद मंजिले तय क्या किया था, एक मकाम पर असर की नमाज अदा कर रहे थे, नमाज से फारिग होते हैं, सामने देखते हैं जलवे मुस्तफा नजर आ रहा है, मेरे आका बे हिजाबाना तशरीफ लाए, और फिर जब वो हुसन नजर आया, पीर मेहर अली ने पुकार कर कहा, मुख चंद बदर शाशानी है, मथे चमके लठ नूरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर अखे हिन मद भरिया, उस सूरत नू मैं जान अखा, जान अखा की जान जहां अखा, सच अखा रब दी शान अखा, उस शान तो शाना सब नबिया, सुभान अल्लाह मा अजमल का मा अकमल का मा अहसन का, किथे मेहर अली किथे तेरी सना गुस्ताख अखी किथे जाड़िया। ये पंजाबी शायर थे, लेकिन बरेली के हसानुल हिंद आशिक रसूल ने जब मेरे आका को देखा था, वापस आकर के क्या कहा था पता है, यूं कहा था, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं,
यही फूल खार से दूर है, यही शम्म है के धुआं नहीं, तेरे आगे यूं है दबे लचे। फसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। करो मद अहले दुअल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीब का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं। वो बरेली के इमाम ने पुकार पुकार कर कहा था, मेरा नबी कैसा दिखता है, मेरा नबी कैसा है तुम्हें पता है? सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है, उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे है, उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। पैसों की एक ऐसी होड़ लगी रहती है जलसों में, ये रूहानियत की मजलिसें हैं। माल की तरफ तवज्जो ना किसी ईमान वाले की हो, ना सुनने वाले की हो। अगर ज्यादा खुशी आए नोट नहीं, जज्बा ऐसा बेदार हो, खड़े हो करके कहे या रसूल अल्लाह, मैं अपने जान और माल और तन मन के साथ आपके कदमों पर कुर्बान होने को तैयार। लब्बैक या रसूल अल्लाह, हाथ उठा के लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस।